ये सर हमसे वीडियो बनाते और जब हम इनका बनना है ना तो ये भागने लगते हैं। गाइस हमको एक ऑप्शन था कि हम लोग कार में जाए, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, धनबाद थोड़ा एक्सप्लोर करें, क्योंकि थोड़ी दूरी था, 400 मीटर अराउंड था, तो हमने बोला पैदल घूमते हैं। फिर हमें दिखा ये गुरुद्वारा यहाँ पे भी होके आएंगे। फिर क्या, हाँ तो आप इंट्रोड्यूस कर लो अपने आप को, आप कौन हो? नहीं नहीं आपके नाम हाँ बता दो ना। तो क्या, तो ये हमारे सारे बोल्ड टीम के मेंबर्स हैं। पुनीत सर पता नहीं क्यों इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, अब आप इंट्रोड्यूस करवाओ। नहीं आप क्यों, ये हमारे ग्लोबल हेड है, बड़ा गुरुद्वारा है। मैंने वही कहा कि हम आते समय हमारे चलते हुए चलेंगे। हाँ अच्छा, आप तो धनबाद के ही हो तो आप हमको एक्सप्लोर करा देते। अच्छा चलो। मुझे एक बात समझाओ, आपने भी डोसा मंगवाया, मैंने भी डोसा मंगवाया, तो आप लोगों का डोसा इतना छोटा है और मेरा इतना बड़ा क्यों खाया? मैं आखिर तक खा रहा था, सपना पूरा हो गया। अच्छा गाइस, अभी हम शूट की जगह देखने जा रहे हैं, जो कि पुनीत सर के हिसाब से हमने चुनी है। क्या नाम था सर, मैं भूल गया, किसका? कोल माइंस। तो अभी हमने सोचा कि गाड़ी यहाँ पे ही रख देते हैं और यहाँ से फिर यहाँ तक पैदल चलते हैं। ब्लैक टाइम ऐसा कहना है इनका कि ये इंटरनली फायर है, मतलब जमीन के अंदर से ही ये आग निकलती है और ये धुएं निकलते रहते हैं। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। चलो तो लेट्स ट्राई टू ट्रैक। मैं तो शू भी नहीं पहना है, मैं सैंडल पहन के आया हूँ। सब मैन वर्सेस वाइल्ड में तो वो खाना भी खाता है नॉन वेज। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे डर का लेवल भी थोड़ा ऊपर बढ़ता जाएगा। असल में अगर देखा जाए तो हम कोल के ऊपर ही चल रहे हैं। अरे बच गए, आ गए। तो वो रही कार, जुनून बोलता है बोल्ड की टैगलाइन। तो उतरे यहाँ से भी ऊपर चढ़ ले, पर इतना रिस्क भी नहीं लेना है लाइफ में, क्योंकि ऊपर जाने के चक्कर में ऊपर ही नहीं पहुंच जाए। सो फाइनली गाइस वो जगह पे पहुंच गए जहाँ KGF जैसी शूट हो सकती है। हर्ष हमारा दूसरा वीडियोग्राफर पीछे रह गया, वो पहले से ही शूट करता आ रहा है। तो फिलहाल तो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, अभी ट्रैकिंग करके ऊपर लोकेशन और ढूंढेंगे कि कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज हमें प्रीमियम प्रोडक्ट का शूट करना है। गाइस ये जो धुआं है ये अंदर से ही निकलता है ज़मीन के, पता नहीं ज़मीन के अंदर आग लग रही है क्या, बट ये नेचुरल है देखो। तो आज हमको धनबाद की फेमस आइटम खाने मिली, लिट्टी चोखा। अच्छा बिहार का है, सॉरी। तो फाइनली गाइज अभी हमने खाना वाना खा लिया, हमने बिहार की सबसे फेमस आइटम खाई है। गला तो खराब हो ही गया आज के दिन में, लिट्टी चोखा करके। तो काफ़ी अच्छी आइटम थी, लेकिन बाटी जैसा ही होता है, वो घी की, देसी घी की बाटी होती है और उसके साथ क्या होता है वो, बाटी के साथ क्या था वो, चोखा, जो भी मतलब वही था। तो खाया और बहुत ज़्यादा पेट भर गया, फिर उसके बाद मिठाई खाई और गला तो पहले से ही ख़राब था, तो और पुनीत सर ने फिर गोली दी थी, उससे थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है। माहौल तो काफ़ी अच्छा ही है यहाँ का अभी तक, तो अब थोड़ा रेस्ट करके फिर कल इवेंट है, तो कल इवेंट पे चलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सो ये है झारखंड ट्रिप डे 2। सो आज का दिन तो इवेंट वाला दिन है, तो अभी वहाँ पे जाना है हमको। अभी तो कुछ 8 बज रही है, चाय मंगवाइए, चाय पी के फिर जाएंगे। और सुबह का कुछ माहौल ऐसा है, मतलब पूरी रात तो बारिश ही पड़ी है, ये देखो यहाँ पे भी बारिश है फुल, और वहाँ पे लेक है। और आवाज सोच रहे हो ऐसी की हो गई है, तो भाई सर्दी हो गई है मुझे और हर्ष को, दोनों को। तो ये एक और टिप है कि अगर आप
ट्रैवल कर रहे हो ना तो अपने साथ मेडिसिन लेके घूमा करो, सर्दी या कोई भी हो तो क्या आगे चल के तुमको प्रॉब्लम नहीं हो। सो फाइनली गाइस ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब ब्रेकफास्ट के बाद अभी बारिश रुकी है तो हम लोग इवेंट पे जा रहे हैं। एनर्जी तो बिल्कुल ही नहीं है बीमारी में, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि पूरा दिन निकल जाए क्योंकि कल का दिन भी बिताना है फिर। ब्लास्ट करने में आवाज नहीं आती है तो आज जब हमने सब घर लोग रहना मुश्किल हो जाता है, पत्थर उड़ के सबके घर में आता है। अरे बाप रे, ऊपर वाला जिससे नीचे आता है तो खतरा कम हो जाता है। तो मतलब ये यही बता रहे कि कोल निकलता कैसे वहां पे आता, डायनामाइट डाल के बम फोड़ा जाता है तो आजू बाजू में जितने घर वाले सबके ऊपर जाके पत्थर गिरते हैं। तो ऐसे तो फिर कोई बाहर घूम रहा हो तो डेथ नहीं हो जाए किसी की? माता है उसका गार्ड रहता है जब। अच्छा होता है तो सब सबको अवेयर कर देते हैं। ब्लास्ट होता है हमेशा रात को होता है। अच्छा क्या प्राइस है इसका? 40,000। 40,000 कितना छोटा सा नहीं 40,000? एक महीने का सैलरी होती 40,000 सैलरी हमारी दो महीने की। माय बर्थडे मंथ में तो गाइज ये जो आप धुआं धुआं देख रहे हो ना, ये असल में जमीन के नीचे की गर्मी बाहर आ रही है और इससे इतनी खांसी हो रही है मैं बता नहीं सकता। हर जगह ये पूरे झारखंड पूरे धनबाद में ही है ऐसा, और यहाँ पे भी छोटी छोटी जगह ऐसी है जिसमें से ये निकल रहा है। हाँ नितेश कहाँ हो? सो गाइस अब हम आए फलूदा आइसक्रीम खाने। हाँ कॉल के बाहर हो? ये खिला रहे, ट्रीट दे रहे अपनी तरफ से। एकदम इसमें लिक्विड हो जाएगा क्या सारा? चलो 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 कितने का दे रहे हो? जल्दी बनाओ। इनका कहना ऐसा था रात में फलूदा चख लिया जाए, बोले फेमस आइटम खिलाता हूँ। गर्मी के दिन में मैं अहमदाबाद गया था समझे, हमारे एक सेल्स मैनेजर थे मिस्टर देश पांडे, वो अपने घर में ले गए थे मणिनगर में समझे, वहाँ से हम लोग को कांकड़िया जाना था। कांकड़िया हाँ, वहाँ पे कंपनी का ऑफिस था कांकड़िया, और कंपनी के फैक्ट्री थी सरखेज में। सरखेज चलो नाम याद है आपको? हाँ। तो याद तो रहेगा ना साहब। फिर सरखेज के बाद आराम से आया ना, वहीं पर ये सब आइसक्रीम खाया था मैं, कांकड़िया झील के पास। कांकड़िया क्या व्यवस्था था भाई, और वहाँ का ट्रैफिक सेंस कितना गजब का है जानते हो नितेश, मतलब वहाँ लोकल बसों में चढ़ने के लिए ना आपका ये बना हुआ है, स्टॉपेज बना हुआ है। तो फाइनली गाइस इवेंट टू मतलब डे टू इवेंट का पूरा हुआ और काफ़ी थक गए। अभी 1:30 बज रही है, हम लोग 1:30 बजे घर आए हैं, काफ़ी थक गए। अब कल एक और शूट है वो करना है, फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। पटना कैंसिल कर दिया मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे बताया कि शायद हम पटना जा रहे थे बिकॉज उड़ीसा में एक तो यहाँ पे माइंस में से इतना धुआं निकल रहा है, मुझे खांसी पहले दिन से हुई, जब से झारखंड के स्टेशन पे कदम रखा है तब से खांसी हो रही है। खैर तो मैंने जैसे स्टोरी पे बताया था कि हम लोग शायद पटना जा रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, तो हमने अभी डिसाइड कर लिया कि हम लोग उड़ीसा जा रहे हैं। तो फिर उड़ीसा जाएंगे शूट के लिए, फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोग जगन्नाथ पुरी टेम्पल जाएंगे, बिकॉज उसकी कहानी है मैं तुमको बताऊँगा बाद में, फ़िलहाल तो थोड़ा सो लेते हैं यार 1:30 बज रहा है। एक तो ये खांसी, ये यहाँ पे पैसेंजर सीट पर बैठ रहे थे ड्राइवर साहब, ड्राइवर नहीं है बोल्ट के एम्प्लॉय है। सो फाइनली गाइज अभी इवेंट तो पूरा हो गया, तो आज की हमारी रात को 12:30 बजे ट्रेन है, तो हमने सोचा एक और शूट कर लेते हैं प्रोडक्ट का। और कल तो हमको सोते सोते मुझे सोते सोते 5 हो गए थे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, हर्ष तो सो गया था 2-3 बजे, और ये तो फिर भी लगता है नींद पूरी नहीं हुई। नहीं, पूरी नहीं। मुझे तो लग रहा है मेरी पूरी हो गई, वो तो रात को पता चलेगा।
तो अभी हम जा रहे हैं शूट पे, देखेंगे ब्रेकफास्ट करते हैं तो करते हैं, नहीं तो शूट करके फिर लंच। बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। 4 बजे में शूट करनी पड़ रही है और वहाँ पे मेरे फॉलोअर्स को लग रहा है मैसेज कर रहे हैं, यार तुम तो मजे करने जा रहे हो झारखंड उड़ीसा, देख लो कितने मजे है। हम होटल में पहुंच चुके हैं। जैन सर, जैन बहुत मस्त एक्टिंग है इसकी। मैं आपको फिल्मों में लूंगा मेरी, जब मेरी फिल्म आएगी। लोग जब भी होटल में एंटर होते हैं ना, इनका डायलॉग जोरदार है। जय हिंद बोलो तो एक बार। जय हिंद। वाहे गांधी चली तेरी ऐसी आंधी, आया था लंगोट में छप गया 2000 का नोट में, वाहे गांधी। अरे ये नहीं, हम जो आते नहीं आप बोलते जय हिंद वो। अच्छा ऐसे। भले जैसे ही चलो एक काम करते हैं, हम वापस वो रिएक्ट करते हैं कि भाई ऐसे समझ हम अंदर आते हैं फिर वापस आप बोलना, ठीक है। आखिरी मुलाकात राकेश जी से, गंगाधर जी से, और सॉरी गंगाधर जी से और नितेश जी से। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस करोगे कि शांत रहोगे फिर? मिस करेंगे। अच्छा मिस करेंगे बोलेंगे तो।